ओके सो क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और साथ ही साथ इसमें यूज है हमारा लाप्लास इक्वेशन का। और ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, और स्ट्रिंग जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, और बट ये जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर टेम्परेचर के फॉर्म में गिवन है। तो ये तो हो गया इंट्रो। नाउ क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया कि द हीट फ्लो इन अ बार ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑफ होमोजीनियस मटेरियल इज गवर्न्ड बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और बोला है कि द एंड्स आर केप्ट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से है। नाउ फाइंड द टेम्परेचर इन अ बार एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। सो इन्होंने बोला है कि आपके पास एक रॉड है या बार है जो कि एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेंथ की है, ओके और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि इसमें जो वेरिएशन है टेम्परेचर का वो कुछ इस तरीके के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह को फॉलो करता है, ओके और उन्होंने इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। इनिशियल कंडीशन ये है कि ये जो आपके एंड्स हैं वो आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर हैं एट टी इक्वल टू 0 पर, ओके सो ये आपके इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग क्वेश्चन। और अब इस क्वेश्चन के बाद हमको फाइंड आउट करना है कि भाई टेम्परेचर का एक्सप्रेशन बताइए किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसमें जो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो यू है वो बेसिकली है आपका टेम्परेचर का फंक्शन या टेम्परेचर को डिनोट करने वाला फंक्शन, बेसिकली ये है फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको समझ में आने आना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो यू है वो किसका फंक्शन होना चाहिए। सो नाउ मैं समराइज करता हूँ इस पूरी प्रॉब्लम को एक अलग वे में, और उसको मैं लिखता हूँ कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में, ओके सो मेरे पास यहाँ पर ये मैंने स्मॉल एक बार बना ली, आप यहाँ पर 2D मत दीजिएगा, ये आप सिंपली 1D की प्रॉब्लम है। ये दोनों एंड है एट x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 10 तक, उसको मैंने L पुट कर दिया यहाँ पर, L इक्वल टू मैं 10 लेके चल रहा हूँ, राइट। सो नाउ ये उन्होंने बोला है कि जो आपका फंक्शन है एट t इक्वल टू 0 पर कुछ इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करता है, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर का वेरिएशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो मैं इस टर्मिनोलॉजी को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि u सफिक्स में t है तो इसका मतलब ये होता है, और u सफिक्स में डबल x इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर का जो कि पार्शियल है। सो नाउ यहाँ पर जो u है वो फंक्शन ऑफ x एंड t है, ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं सारी बाउंड्री कंडीशन को कुछ इस तरीके से समराइज करता हूँ कि उन्होंने बोला है कि एट t इज इक्वल टू 0 पर एट इनिशियल टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कुछ इस तरीके से है एक्स पे, इस तरीके से ये वेरी हो रहा है 0 से लेकर 10 तक, ओके और उन्होंने बोला है कि ये दोनों एंड्स जो हैं आपके बार के दोनों एंड्स एट टी इक्वल टू या कैपिटल टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर 0 गिवन है आपके, ये आपके एंड्स हुआ एट एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू एल पर। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन का यूज करके मेरे को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एट पर्टिकुलर टाइम टी पर। सो नाउ ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, एक एज्यूम सॉल्यूशन करते हैं, देन इसके बाद उसी में इनिशियल कंडीशन को पुट करते हैं, देन इसके बाद टर्म बाई टर्म वो थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका पर्टिकुलर एक तरीका है, उस तरीके को आप लोग अच्छे से समझिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है देन यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपका डाउट होगा, राइट। सो नाउ शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा बट आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। सो क्या करता हूँ मैं कि अगर ये फंक्शन यू जो है वो एक्स और टी का फंक्शन है तो मैं एक जनरल सॉल्यूशन एज्यूम करता हूँ लाइक दिस कि जो यू है वो आपका फंक्शन एक्स का भी और टाइम का भी है। सो दो इंडिपेंडेंट एक्स और टी के जो फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिए, अगर ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो ये जो सॉल्यूशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करना चाहिए तो उसके लिए पहले तो
पहले तो मेरे को ये वाली वैल्यू मालूम होनी चाहिए, साथ ही साथ ये वाली वैल्यू मालूम होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। सो जब पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको देख आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम का फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा तो सिर्फ इसका होगा, तो ये हो गया। इसको अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, नाउ इसी टर्म को मैं अब टाइम के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड मिलेगी। आई होप इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नाउ ये दोनों इक्वेशन को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर वन में, या फिर कह सकता हूँ कि इस और इस पार्ट की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर वन में। जब इक्वेशन नंबर वन में दोनों इक्वेशन पुट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके की इसकी तस्वीर निकल के आती है। ए डी वाई डी टी सी स्क्वायर पी डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, राइट। सो नाउ यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ, वेरिएबल को एक साथ रखता हूँ और इसको एज्यूम करता हूँ एक माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉन्स्टेंट के। इस लैम्डा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, देन हम लोग आगे सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम वाले कंपोनेंट को लैम्डा स्क्वायर के साथ लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से बी का एक्सप्रेशन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आई थिंक ये मालूम होना चाहिए आपको, इतना तो इंटीग्रेशन कर लोगे आप लोग। वन बाई बी, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, राइट। ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको मैंने बी वन से रिप्लेस कर दिया। ये आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। नाउ सिमिलरली ये जो आपका एक्सप्रेशन था, इसको भी मैंने लैम्डा स्क्वायर के साथ लिखा। अब मैंने एक साथ सारी चीज़ें पुट की तो मेरे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम निकल के आती है। अब इस वाली प्रॉब्लम को आप लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हो, ये होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने यहाँ पर निकाला तो कुछ इस तरीके से निकल के आया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद मेरे को ये रूट्स जो फाइंड आउट हुए, इस रूट्स की मदद से मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो रूट्स हैं वो आपके हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स का जो सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सो वहाँ पे यहाँ पर जो एक्स डिपेंडेंट जो हमारा फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से, और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन कुछ इस तरीके से। अब मेरे पास ए एक्स और बी टी की वैल्यू मालूम है, अब इन दोनों को मैं यू वाले एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ। जब मैं इन दोनों को कम्बाइन पुट करता हूँ तो मेरे पास यू एक्स कॉमा टी एक जनरल सोल्यूशन निकल के आता है लाइक दिस। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली दोनों को वैल्यू पुट की है। अब दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद अब मेरे को क्या करना है कि जस्ट इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों कांस्टेंट को एक कांस्टेंट C3 से रिप्लेस कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको C4 के साथ रिप्लेस कर दिया। C3 और C4 आपके सिंपली कांस्टेंट हैं जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त हुए थे। अब इस UX, T के साथ हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ टेंड करेंगे, राइट। सो इसके लिए मैं पहली बाउंड्री कंडीशन पुट करता हूँ 0, T = 0, मतलब कि ये जो हैं हमारे दोनों एंड्स कहाँ हैं, T = 0, मतलब इसका टेम्परेचर 0°C है। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ और t की जगह t पुट करता हूँ, तो इस एक्सप्रेशन में आप लोग देख पा रहे हो कि अगर x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बट ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टर्म आपका 0, सिंपली ये वाला टर्म बचेगा और इसको =0 पुट करना है। तो यहाँ से जब मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ निकल के आती है। नाउ एक्सपोनेंशियल मेरा 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए C3 की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, और जब C3 की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये वाला जो रिजल्ट है, ये टर्म 0 होने के बाद सिंपली ये बचता है, राइट। सो नाउ UX, T = मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आया लाइक दिस। ओके, अब सेकेंड हम लोग कंडीशन फिर से डालते हैं कि दोनों एंड्स थे, ये पहला एंड्स 0 पर था, सेकंड एंड्स भी 0 पर है, तो एक्स की जगह 10 और टी की जगह टी डालता हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो आपको ये मिलता है एक्सप्रेशन लाइक दिस, राइट। यहाँ पे एक्स की जगह 10 डाला और टी की जगह टी डाला तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि अगर ये क्वांटिटी 0 पुट करनी है तो इसके लिए एक ही कंडीशन हो सकती है, जब ये वाला टर्म आपका क्या होना चाहिए, एन पाई के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टर्म तो आपका 0 हो नहीं सकता। नाउ कोई इंसान बोल सकता है कि C4 की वैल्यू में 0 पुट कर दूँ, अगर आप लोग
सी फोर की जीरो पुट कर दोगे ना तो ये आपका एक्स यू एक्स कॉमा टी डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बोला है सिर्फ एंड पॉइंट्स पर हमारे टेम्परेचर जीरो, बीच में जीरो नहीं है। सो यहाँ पर सी फोर की वैल्यू हम लोग जीरो पुट नहीं कर सकते, इसलिए कंडीशन यहाँ से निकल के आती है लैम्डा की, कि लैम्डा हमारा होना चाहिए लाइक दिस एन पाई सी बाई टेन। इस वैल्यू को मैं लैम्डा एन एज्यूम करता हूँ, बाद में रिप्लेस कर दूंगा। जब मैं इसको एज्यूम करता हूँ तो मेरे पास जो ये वैल्यू निकल के आती है, सिंपली लैम्डा की जगह यहाँ पर ये वैल्यू पुट की है तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता लाइक दिस। ओके सो नाउ अब हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आया जो कि हमने ये बाउंड्री कंडीशन लगाई थी कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करने वाला एक जनरल सॉल्यूशन में एज्यूम करता हूँ। वो जनरल सॉल्यूशन है मेरा लाइक दिस, जिसको हम लोग कंबाइंड सॉल्यूशन बोलते हैं। इस कंबाइंड सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके तो आप एक यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ तक बात समझ में आती है तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या फाउंड आउट करना है, एक ऐसा कोफिशेंट जो सारी कंडीशन को फॉलो करे। तो इस सी एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो लैम्डा एन मैंने पुट किया, लैम्डा एन की वैल्यू सिंपली आपके पास ये है, बाद में हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो रिप्लेस कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, देन वी कैन प्रोसीड। सो नाउ अब हम लोग इस कॉन्स्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, इससे पहले हम लोग एक कंडीशन फिर से हम लोग यहाँ पे लगाते हैं जो कि गिवन था, कि इनिशियली कंडीशन गिवन है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पर ये जो टेम्परेचर है कुछ इस तरीके से वेरी हो सकता है, जो कि एक्स पर डिपेंडेंट है लाइक दिस। तो यहाँ पर जब मैं टी इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे को रिजल्ट निकल के आता है। टी इज इक्वल टू आप जीरो पुट करेंगे तो ये वाला टर्म आपका वन होगा, तो ये एल एच एस वाला टर्म ये हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर टी इज इक्वल टू जीरो पुट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये क्वांटिटी मालूम होगी, ये इक्वल है आपके कुछ इस तरीके से, राइट। अब मैं करता क्या हूँ, देखो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर काफ़ी बुक्स काफ़ी टीचर्स लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं इस सी एन की वैल्यू और सॉल्व करने लगते हैं आगे। मैं यहाँ पर सी एन का एक एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के ये चीज़ समझें और आगे फॉलो करें, रटना नहीं है। ओके सो नाउ यहाँ पर अगर मेरे को सी एन का एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इंसर्ट कर रहा हूँ लाइक दिस, कि यहाँ पर जो लैम्डा एन था उसकी वैल्यू पुट की, लैम्डा एन बाई सी की वैल्यू ये आपकी निकल के आती है जहाँ पर एल इज इक्वल टू टेन है, राइट। समझ पा रहे होंगे लैम्डा एन हमारा क्या था, एन पाई सी बाई टेन, राइट। अगर मैं इस टेन की जगह एल लिख दूँ तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ साइन एम पाई एक्स बाई एल के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ और इंटीग्रेट करता हूँ जीरो से एल तक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आता लाइक दिस। ओके अब आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाले इसकी क्वांटिटी मतलब ये जो चीज़ लिखी है आपके पास ये कंप्लीट चीज़, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास निकल के आता लाइक दिस डेल्टा एम एन एल बाई टू एंड सी एन, ये है आपकी आर एच एस के बराबर होगी। ओके सो ये आपका नहीं आएगा, ये इंटीग्रेशन के साथ चला जाएगा। सो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया लाइक दिस सी एन एल बाई टू डेल्टा एम एन, जब जब एम एन के बराबर होगा तो ये वैल्यू सर्वाइव करेगी अदरवाइज जीरो होगी। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे साइन एम एन अगर दोनों बराबर होंगे तभी आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो, और जब लिमिट पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ओके सो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर एम इक्वल टू एन है तभी ये सर्वाइव करेगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, सी एन को लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ एन इक्वल टू एम के लिए, तो अब एम की जगह या फिर एन की जगह एम पुट करता हूँ तो यहाँ से निकल कहता है सी एम एल बाई टू इज इक्वल टू लाइक दिस। ओके यहाँ पर एन को मैं एम से रिप्लेस कर दिया, तो जो सी एम कोफिशेंट निकला ना वास्तव में ये है। अब काफ़ी प्रोफेसर काफ़ी टीचर्स और काफ़ी बुक्स में ये डायरेक्ट लिखा है कि सी एम जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ फोर ईयर सीरीज का जो कि कोसाइन हाफ रेंज सीरीज है उसका कोफिशेंट है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब करना क्या है कि जीरो से एल तक मेरे को ये फंक्शन डिफाइन था कुछ इस तरीके से। ओके ये आपके पास सेम है, अब इसको मैं क्या करूँगा इंटीग्रेट
करूँगा सिर्फ बस। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ, तो मेरे पास दो इंटीग्रेशन मिलेंगे, एक इंटीग्रेशन आपका ये मिलेगा और एक इंटीग्रेशन आपका ये मिलेगा। अब मेरे को करना क्या है, इसको मैं शायद इस इंटीग्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ आई वन के रूप में, इसी प्रकार इसको भी आई टू लिख लूँगा और देन इसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट यहाँ पर पुट कर दूँगा तो सी एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज है हमारा इंटीग्रेशन के ऊपर। सो नाउ सबसे पहले क्या करता हूँ कि आई वन एज्यूम करता हूँ, आई वन इज इक्वल टू जीरो से एल एक्स साइन एम पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब क्या है कि यूजिंग लेबनिस रूल, जो कि हम लोग पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन है और उसको हमको इंटीग्रेट करना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस रूल का फॉलो करेंगे तो आसानी से वो चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ से अगर दो फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो ये रूल हम लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पर u और b1 कुछ इस तरीके से, u हमारा पहला फंक्शन, b1 हमारा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ साइन के साथ यहाँ पुट करना है। फिर यहाँ पर जब u प्राइम की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन करना है जो हमारा पहला फंक्शन था विथ साइन के साथ, इसी प्रकार b2 जो है वो इंटीग्रेशन है ऑफ b1 का। तो कुछ इस तरीके से लेबनिस की थ्योरम थी, लेबनिस रूल कह सकते हो इंटीग्रेशन का। तो इसको जब मैं फॉलो करता हूँ कि मतलब u मेरा हो जाएगा x और b मेरा साइन एम पाई बाई एक्स बाई एल होगा, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। ओके, सो u की जगह x डाला और b की जगह साइन एम पाई बाई एल इंटू एक्स पुट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है इस इंटीग्रेशन का ये। अब यहाँ पर करना क्या है, आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करोगे तो आपके पास जो I1 का एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो कुछ उस तरीके से निकल के आएगा। अब यहाँ पे भी आप लोग साइन एम पाई की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हो तो डायरेक्ट कॉस के टर्म में आ जाएगा, मैंने नहीं किया है, आगे आप लोग पुट कर देंगे तो वो चीज़ रिजल्ट निकल के आ जाएगी। राइट, सो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा माइनस हंड्रेड एम पाई कॉस एम पाई, क्यों, क्योंकि साइन एम पाई की वैल्यू जीरो है, एम आपका एक इंटीजर है। राइट, सो ये हो जाएगी आई वन की वैल्यू। अब नाउ फाइंड आउट करते हैं आई टू की वैल्यू। तो ये मेरा आई टू इंटीग्रेशन है, अब यहाँ पर यू मेरा एक्स स्क्वायर है तो यू प्राइम हो जाएगा टू एक्स और यू डबल प्राइम हो जाएगा टू। अगर बी मेरा साइन एम पाई एक्स है तो बी वन की वैल्यू ये हो जाएगी, बी टू की वैल्यू ये और बी थ्री की वैल्यू ये हो जाएगी। अब मैं उस फॉर्मूले में पुट करता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है, जब आप लोग इसको पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा लाइक दिस। अब इसमें सिंपली आपको एल पुट करना है और जीरो पुट करना है, ये लिमिट आपको करना है पुट, तो आपके पास लिमिट पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा ये। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये टर्म भी जीरो, क्योंकि साइन एम पाई वाला जीरो है, ये टर्म जीरो हो गया आपके पास। ठीक है, इसको भी यहाँ पे आप लोग जीरो पुट कर सकते हो। यहाँ पर एल इक्वल टू टेन लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एल इक्वल टू टेन गिवन था क्वेश्चन में, तो जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो मेरे पास सर्वाइव करने वाले टर्म एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा और साथ साथ एक ये बचेगा। सो इसको जब आप लोग थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो मेरे पास सी एम की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये टू बाई एल था, टू बाई एल इंटू मल्टीप्लाई टेन यहाँ फैक्टर, तो यहाँ पर ट्वेंटी बाई एल हो गया, इसी प्रकार यहाँ पर टू बाई एल का फैक्टर तो यहाँ पर टू बाई टेन हो गया मल्टीप्लाई बाई आई टू। आई वन और आई टू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, जहाँ जहाँ पर साइन एम पाई लिखा उसकी जगह आप लोग जीरो पुट करोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन एम पाई की वैल्यू जीरो होती है। जब आप लोग ये चीज़ कर लोगे एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एट द एंड सी एम की वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी ये। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, क्वेश्चन में ये चीज़ आपको स्पेसिफाई नहीं दी गई होगी कि आप क्या चीज़ें पुट करनी है, तो आपके पास पहले से चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ मैं ये चीज़ें सारी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आंसर भी मैच कराना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि आंसर आपको ये आना चाहिए। सो यहाँ पर जो सी एम की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री रिजल्ट यूज किए, आपका आएगा ये आंसर, ये आ सकता है, इसके बाद मैं यहाँ पर कॉस टू ए का फॉर्मूला पुट करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। जब सी एम की वैल्यू ये आ जाएगी तो मेरे पास जो जनरल सॉल्यूशन आएगा यू एक्स कॉमा टी का, ये आपका सी एम की वैल्यू है, अगर एम को एन से रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट ये निकल के आ जाता है। राइट, सो यहाँ पर यू एक्स कॉमा टी का जो सॉल्यूशन होगा ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू है सी
एम की या फिर सी एन बोल सकते हो। ये आपका मल्टीप्लाई फैक्टर जो आपका एक्स पे डिपेंडेंट था, ये आपका है जो टाइम पे डिपेंडेंट था। ओके, मैंने कुछ मतलब ऐसा एक्स्ट्रा नहीं डाला, पुट सिंपली सी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, जो एन आपका अंदर चला जाएगा क्योंकि समेशन एन पर है। नाउ यहाँ पर अगर ये यहाँ तक आप लोग आंसर छोड़ोगे करेक्ट है, बट अगर टीचर बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि ये चीज़ आनी चाहिए, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एन पे कंडीशन लगानी है कि अगर ऑड होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, इवन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। सो नाउ फॉर एन इजिक्वल टू इवन, अगर एन मेरा इवन है, सपोज मैंने एन की जगह टू पी पुट कर दिया, राइट, सो साइन एन पाई बाई टू की वैल्यू मेरी आ जाएगी जीरो। मतलब इवन एन के लिए, इवन एन के लिए ये चीज़ जीरो है। अगर ये चीज़ जीरो है, साइन एन पाई बाई टू अगर जीरो है, तो ये पूरा फंक्शन भी जीरो होगा। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं फोर ऑड एन के लिए, राइट। अगर एन ऑड है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि एन इक्वल टू टू पी माइनस वन ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो इसकी वैल्यू निकलती है लाइक दिस। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा भी पुट कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर कॉस पाई निकल के आता, कॉस पाई की वैल्यू आप लोग ये लिख सकते हो, राइट। सो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो चीज़ आपके पास निकल के आई है वो निकल के आएगी लाइक दिस। अगर मेरे पास एन ऑड है तभी सर्वाइव करेगा, और अगर इवन है तो सर्वाइव नहीं करेगा। ये चीज़ आपके सामने आगे निकल गए, ठीक है। अब करते क्या है हम लोग कि फोर ऑड एन के लिए यू का फंक्शन लिखते हैं। अब यू का कैसे फंक्शन लिखना है भाई, यहाँ जहाँ जहाँ पर एन था उसकी जगह टू पी माइनस वन पुट करना है, ख़त्म। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर एन की जगह जहाँ जहाँ पर एन था वहाँ पर टू पी माइनस वन पुट करेंगे, तो आपके सामने कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अब आंसर में आपका एन के टर्म में दिया है, तो यहाँ पर पी की जगह एन पुट कर दो सिंपली, क्योंकि यहाँ पर समेशन जो जाएगा वो जाएगा पी इक्वल टू 1, 3, 5 ऐसे करके, मतलब ऑड के लिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पी वन पी टू पी थ्री आएगा क्योंकि यहाँ पर एन इक्वल टू टू पी माइनस वन ले लिया था, तो ये पी पे समेशन जाएगा। ओके, नाउ अगर आपको आंसर की तरह आंसर जैसा मैच कराना, तो पी की जगह फिर रिप्लेस कर दो एन से, तो आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा जो कि आपको प्रूव करना था। तो ये कंप्लीट प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको ऐसे ही फॉलो करनी है। ये तो हो गई पहली प्रॉब्लम। इसी प्रकार दूसरी प्रॉब्लम है जो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करती है, उस तरीके की प्रॉब्लम को डील करने के लिए प्रोसीजर क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।